अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे ही मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके 20 या 25 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाया करे तो आप लोग आपस में बात मत किया कीजिए। इससे पहले जब लास्ट डे मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि जब टेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, तो ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाया करे ना तो पूरा ध्यान आप लोग टेस्ट पे लगाया कीजिए। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है वृत्त, ऑप्शन बी दिया है एक दीर्घ वृत्त, ऑप्शन सी दिया है एक परवलय और ऑप्शन डी दिया हुआ है एक सरल रेखा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक दीर्घ वृत्त। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ वृत्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अब यहाँ पे H2SO4 लिखा है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अब आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, Cl2 गैस। यानी कौन सी गैस निकलती है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विरंजक चूर्ण पर, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। फिर क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से, यानी H2SO4 हो जाएगा प्लस H2SO4, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, तो CaOCl2 प्लस H2SO4 गैप्स, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस।
ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा जब रिएक्शन होगी तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे Cl2 गैस मिली कि नहीं मिली, मिल रही है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और रिएक्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे CaOCl2 प्लस H2SO4 गैस CaSO4 प्लस H2O और प्लस Cl2 गैस हमें यहाँ पे लास्ट में मिल रही है, तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा जो कि एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उचित सार्थक, यानी उचित सार्थक अंकों में कण की चाल यहाँ पे पूछी गई है, यहाँ पे उचित लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी, यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में कण की चाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 74 मीटर पर सेकेंड, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आया, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कण की चाल होगी और उचित सार्थक अंकों में कण की चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला होता है और आप लोगों को याद भी होगा फॉर्मूला। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमें यहाँ पे दी गई है 1260, ये हो जाएगा, और अपॉन में समय यानी टाइम कितना दिया गया है, 17 सेकंड का दिया गया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे देखिए 1260 और अपॉन में आपका क्या है, यहाँ पे 17 है, तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो हमारा था यहाँ पे 1260, क्या था, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 1260 और किससे हमें करना है, हमें यहाँ पे 17 से करना है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, तो 17 सते 119 होता है, ठीक है, 7 बार यहाँ पे गया। अब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। अब कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार, 4 बार, 68 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लेस करेंगे तो 2 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब जाके हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 17 आएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा लेस करने पर, फिर अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं और फिर एक बार ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे 17 आएगा, मतलब ऐसे आगे सॉल्व होता हुआ चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ 2 अंक तक सॉल्व करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिला, 74.11, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए ऊपर आते हैं, हमें क्या मिला, 74.11 मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए जो आपका समय यहाँ पे दिया है, समय यानी टाइम, उसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो समय आपका यहाँ पे 17 सेकंड दिया है और इसमें 2 सार्थक अंक हैं। जब समय में 2 सार्थक अंक हैं तो यहाँ पे जो चाल आपकी आएगी उसमें भी हम केवल 2 सार्थक अंक लेंगे और जो इसके बाद पॉइंट आपका 1-1 है इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि उचित सार्थक अंकों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 74 मीटर पर सेकेंड, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आपको यहाँ पे कारण बताना है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है
लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, इसका कारण क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी यह विस्फोटक है। ठीक है, क्या है यह? विस्फोटक है, यानी हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि यह विस्फोटक है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है हाइड्रोजन गैस के कैलोरी मान की, तो आखिर हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान कितना होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान कितना होता है, तो चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। क्या होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम ये होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ मैंने जो लिखा है 150 किलो जूल पर ग्राम, ये हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान होता है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी आपको यहाँ पे बतानी है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को सदिश और अदिश राशि में तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको सदिश और अदिश राशियों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आयतन। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो यहाँ पे जो आयतन है ये अदिश राशि है, और इसके अलावा जो बल, विस्थापन और वेग है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी सदिश राशियां हैं। तो ये तीनों तो होंगी नहीं, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में सदिश और अदिश राशियों से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 से 3 बार कराया है। क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक हफ्ते पहले ही कराया हुआ था, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण
किस विधि द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है संवहन विधि द्वारा, ऑप्शन बी दिया है विकिरण विधि द्वारा, ऑप्शन सी दिया है चालन विधि द्वारा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चालन विधि द्वारा। यानी ठोसों में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। Mn से मतलब मैंगनीज। Mn यहाँ पे Mn लिखा हुआ है ना, तो Mn मैंगनीज को बोलते हैं। ठीक है, मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊँगा और सॉल्व करके भी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है। तो अगर आपको मैंगनीज का एटॉमिक नंबर पता होगा, यानी परमाणु क्रमांक पता होगा, तभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। लेकिन जब 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे आपको एटॉमिक नंबर दिया गया था। लेकिन ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया होगा, तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना जरूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से CR यानी क्रोमियम 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको 2 से 3 बार बताया हुआ है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा Fe का भी, यानी लोहे का, इसका भी पूछा जा सकता है। तो इन सबको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 8 13 2। अब ये कैसे आया, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे Mn यानी मैंगनीज का पूछा गया है। तो जो Mn होता है, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर इसके बाद यहां पे आ जाएगा 3p6, फिर इसके बाद 4s2 और लास्ट में यहां पे आएगा 3d5। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, टोटल 25 हो चुके हैं। देखिए ये 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर लिए हैं। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्रम से लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3d5 पहले आ जाएगा और 4s2 आपका यहाँ पे बाद में चला जाएगा। ठीक है, 3p6 के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d5, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4s2। ये हो गया। अब चलिए इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा। दूसरे में देखिए 2s2 2p6, यानी 2 और 6, 8 हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब तीसरे में देखिए 3s2 3p6 3d5, यानी 2 6 8 और 8 5 13, यानी 2 8 13, और चौथे में यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन,
यानी दो, यानी 2 8 13 2, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता, तो मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जहाँ पर मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। क्वेश्चन यहां पे है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी प्रत्येक में। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समतल। यानी किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, तो ये होता है समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे इस्पात लिखा है, इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करिए। ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे करीब तीसरी बार करवा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीजन। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, ऑक्सीजन का किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, यानी आपसे यहाँ पे सामर्थ्य पूछी गई है, सामर्थ्य यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, यानी सामर्थ्य आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपका ये टोटली फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो विद इन आप यहाँ पे एक मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, यानी हमसे यहाँ पे सामर्थ्य पूछी गई है। सामर्थ्य बराबर आपका होता क्या है, तो सामर्थ्य P इज इक्वल टू आपका होता है W अपॉन T। ये होता है, ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को तब बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक, ठीक है, 10 सेकेंड में। तो देखिए बक्से को 20 मीटर दूरी तक, यानी विस्थापन कितना दिया गया है हमें, यहाँ पे एस की वैल्यू दी गई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हमें यहाँ पे ये विस्थापन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 10 सेकंड में, तो समय टी कितना हमें दिया गया है,
टी हमें यहाँ पे दिया गया है 10 सेकेंड, ये दिया गया, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 100 न्यूटन बल द्वारा, यानी एफ हमें कितना दिया गया है, एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 100 न्यूटन, ये हमें दिया गया है। और फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, हमें यहाँ पे सामर्थ्य को निकालना है, पी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखिए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये तो होता है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया है कि W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो W इज इक्वल टू आपका होता है F इंटू S, क्या होता है F इंटू S होता है, तो W की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं F इंटू S लिख सकते हैं, और अपॉन में आपका T तो रहेगा ही। अब देखिए हमें यहाँ पे F की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ नहीं तो फिर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो देखिए P इज इक्वल टू आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका होता है W और अपॉन में T होता है, ये होता है, और W बराबर आपका F इंटू S होता है और अपॉन में T हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें F की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है, 100 न्यूटन, तो F की जगह हम 100 रखेंगे, इंटू S है तो विस्थापन कितना 20 मीटर, तो ये 20 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में आपका क्या है, T है, यानी समय कितना दिया है 10 सेकेंड हमें यहाँ पे दिया है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 20 में करवा दीजिए तो आपको मिलेगा 200, और सामर्थ्य यानी शक्ति पूछा गया है तो वाट में आएगा, यानी 200 वाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 वाट। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी, क्वेश्चन लिखा था कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक, यानी यहाँ पे विस्थापन क्या है 20 मीटर दिया गया है, बक्से को 20 मीटर दूरी तक यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति पूछी गई थी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200 वाट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का जरूर पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के काम आती हैं। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी दिया है एनल्जेसिक, ऑप्शन सी दिया है एंटीबायोटिक, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था, तभी तो पूछा गया था 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप लोगों के हैं उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं मेडिसिन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंटीपायरेटिक, ठीक है। यानी कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के काम आती हैं, एंटीपायरेटिक आती हैं, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन के अंतर्गत यहाँ पे एस्प्रिन हो गई, क्रोसिन हो गई, ये सब मेडिसिन आती हैं, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो ये भी आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है, हमें यहाँ पे वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है, और चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स में आपके जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है मेजरमेंट, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। चैप्टर सेकेंड आपका है वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। फिर चैप्टर नंबर थर्ड आपका मोशन यानी गति वाला है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। फिर चैप्टर नंबर फोर आपका है गति के नियम, तो वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर आपका एक चैप्टर है कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं, वो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर है गुरुत्वाकर्षण, वो भी पढ़ा दिया, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए, आपको अपना रिविजन करना है। और जो चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना, उसका मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 12 मीटर, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक यानी म्यू की वैल्यू हमें 4/3 यहाँ पे दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन पहले ही बताया हुआ था कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यानी अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वास्तविक गहराई, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आभासी गहराई, ये होता है रिलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू यानी अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई और अपॉन में आभासी गहराई, ये होता है। अब क्वेश्चन में देखिए अपवर्तनांक यानी म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू हमें 4/3 दी गई है, तो म्यू की जगह मैं 4/3 लिख दूंगा, इज इक्वल टू वास्तविक गहराई, ये तो हमें ज्ञात करनी है, तो वास्तविक गहराई यहाँ पे ऐसे ही लिख दूंगा, यानी वास्तविक गहराई ये लिख दिया ऐसे ही। फिर अपॉन में आभासी गहराई आपको 9 मीटर यहाँ पे दी गई है, तो अपॉन में मैंने ये जो आभासी गहराई था इसकी जगह 9 मीटर लिख दिया है। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वास्तविक गहराई निकालेंगे, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वास्तविक गहराई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वास्तविक गहराई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 9 × 4, और ये 3 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, यानी 9 × 4 / 3 ये आपका यहाँ पे हो गया। तो 9 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 36, और अपॉन में आपका हो जाएगा 3, सॉल्व कर लीजिए तो ये 3 × 1 = 3, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 12 मीटर ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 12 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि भर्जन द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोगों ने किया है। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है ऑर्गन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 4 से 5 बार कराया हुआ है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑर्गन,
ऑर्गन, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, जितनी इनर्ट गैसेस होती हैं यानी जितनी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ज़ीरो होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखिए, चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे थे, इन चारों में अक्रिय गैस कौन सी है, तो अक्रिय गैस आपकी ऑर्गन है। और मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं यानी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ज़ीरो होती है, तो इसीलिए ऑर्गन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल मैंने आप लोगों से यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जहाँ पे मैंने आपको 14 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है जो कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर आज का क्या रहा, कितना क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।